तो माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन पर अब 50,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। जहां शाइस्ता की गिरफ्तारी में नाकाम पुलिस ने इनाम की राशि को बढ़ा दिया है, जहां पहले 25,000 इनाम घोषित किया था लेकिन अब इस इनाम को दुगना कर दिया गया और अब 50,000 रुपए का इनाम कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि वंचित अभियुक्त शाइस्ता पर 50,000 रुपए का इनाम कर दिया गया और इस उमेश पर हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ और पत्नी शाइस्ता परवीन समेत अन्य के खिलाफ कत्ल और साजिश रचने का केस लिखा गया था। और साथ ही इस घटना से पहले मिले एक सीसीटीवी फुटेज के बाद पुलिस अधिकारी का ये कहना है कि इस हत्याकांड का षड्यंत्र रचने में अतीक और अशरफ के साथ शाइस्ता परवीन भी शामिल है। शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी है, जो कि बताया जा रहा है कि अब इस मामले में, इस घटना हत्याकांड में अब अतीक की पत्नी शाइस्ता भी शामिल है। साथ ही शूटआउट के फुटेज में ये दिखा राइफलधारी शूटर साबिर अतीक की पत्नी शाइस्ता के साथ सुरक्षा में चलता था और इसे शुरू से सब पता था कि कब क्या होने वाला है। अब उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन पर इनाम 50,000 कर दिया गया है, जो कि पहले 25,000 था, अब पुलिस ने इसे 50,000 का इनाम घोषित कर दिया है।